गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नवमह पाठ। नवमह का अर्थ होता है नौ, पाठ का अर्थ होता है पाठ, अर्थात नवा पाठ आज हम पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष, बहुवचन, तीनों लिंग तथा सर्वनाम का प्रयोग हम आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में लोग प्रथम पुरुष, एक वचन और द्विवचन का प्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें तीनों लिंग तथा सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार हुआ है। बच्चों, इन वाक्यों में पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है और बहुवचन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। बालका नमन्ति, बालका मतलब लड़के, नमन्ति नमस्कार करते हैं। इन सभी वाक्यों में जो कर्ता है वो भी बहुवचन है और जो क्रिया है वो भी बहुवचन ही है। तो आपको ध्यान देना है इसको पढ़ते समय कि हम इन वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। बालका नमन्ति, बालका मतलब लड़के, नमन्ति मतलब नमस्कार करते हैं, लड़के नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, ते मतलब वे सब, नमन्ति मतलब नमस्कार करते हैं, वे सब नमस्कार करते हैं। रमेश, सुरेश, संजीव च धावन्ति। रमेश एक लड़के का नाम है तो रमेश हो जाएगा, सुरेश भी एक लड़के का नाम है सुरेश हो जाएगा, और संजीव तो संजीव हो जाएगा। च का अर्थ होता है और, रमेश सुरेश के बाद ये च का अर्थ सुरेश और संजीव के बीच में लग जाएगा। धावन्ति मतलब दौड़ते हैं, रमेश सुरेश और संजीव दौड़ते हैं। ते धावन्ति, ते मतलब वे सब, धावन्ति मतलब दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। राम श्याम मोहन च लिखन्ति। राम राम, श्याम श्याम, मोहन मोहन, च का अर्थ हो जाएगा और लिखन्ति का अर्थ होता है लिखते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा राम श्याम और मोहन लिखते हैं। बच्चों, ये जहाँ ये च का जो अर्थ होता है और, ये इन दोनों श्याम और मोहन के बीच में ये लग जाएगा। ते लिखन्ति, ते मतलब वे सब, लिखन्ति मतलब लिखते हैं, वे सब लिखते हैं। सैनिका रक्षन्ति, सैनिका मतलब सैनिक, रक्षन्ति मतलब रक्षा करते हैं। ते रक्षन्ति, ते मतलब वे सब, रक्षन्ति मतलब रक्षा करते हैं, वे सब रक्षा करते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में हम स्त्रीलिंग बहुवचन शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे और इसमें बहुवचन सर्वनाम का भी प्रयोग पढ़ेंगे। बालिका पठन्ति, बालिका मतलब लड़कियां, पठन्ति मतलब पढ़ती हैं, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा लड़कियां पढ़ती हैं। ताह पठन्ति, ताह मतलब वे सब, पठन्ति मतलब पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं। यहाँ पर ताह शब्द जो है ये एक सर्वनाम शब्द है, पठन्ति जो है क्रिया शब्द है, और बालिका जो है यहाँ पर कर्ता शब्द है। अमिता नमिता मीता च गायन्ति। अमिता एक लड़की का नाम है तो अमिता हो जाएगा, नमिता भी एक लड़की का नाम है तो नमिता हो जाएगा। च का अर्थ होता है और, मीता ये भी एक लड़की का नाम है, गायन्ति मतलब गाती हैं। अमिता नमिता और मीता गाती हैं। ता गायन्ति, ता मतलब वे सब, गायन्ति मतलब गाती हैं, वे सब गाती हैं। शीला रमा लता च क्रीडन्ति। शीला का अर्थ शीला हो जाएगा, एक लड़की का नाम है, रमा रमा हो जाएगा, लता लता च का अर्थ होता है और क्रीडन्ति मतलब होता है खेलती हैं। शीला रमा और लता खेलती हैं। बच्चों, रमा और लता के बीच में और का प्रयोग होगा, च का यहाँ प्रयोग होगा जिसका हिंदी अर्थ होता है और। ताह क्रीडन्ति, ताह मतलब वे सब, क्रीडन्ति मतलब खेलती हैं, वे सब खेलती हैं। कोकिला कूजन्ति, कोकिला मतलब कोयल, कूजन्ति मतलब कूजती हैं। ताह कूजन्ति, ताह मतलब वे सब, कूजन्ति मतलब कूजती हैं, वे सब कूजती हैं, या कूजती को बोलती भी कह सकते हैं, वे सब कूजती हैं या वे सब बोलती हैं। बच्चों, इन वाक्यों में नपुंसक लिंग बहुवचन शब्दों का प्रयोग हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सर्वनाम, ये तानी सर्वनाम शब्द है और ये भी बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये सिर्फ नपुंसक लिंग के लिए ही तानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। तानी फलानी संति। तानी मतलब वे सब, फलानी मतलब फल, संति मतलब हैं, वे सब फल हैं, संति
बच्चों यहाँ पर सहायक क्रिया है, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं अस्ति अस्तः संति, उसका भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर संति का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करेंगे। तानि चक्राणि चलन्ति, तानि मतलब वे सब, चक्राणि मतलब पहिए, चलन्ति मतलब चलते हैं, वे सब पहिए चलते हैं। तानि छत्राणि संति, तानि मतलब वे सब, छत्राणि मतलब छाते, संति मतलब हैं, वे सब छाते हैं। तानि पत्राणि पतन्ति, तानि मतलब वे सब, पत्राणि मतलब पत्ते, पतन्ति मतलब गिरते हैं, वे सब पत्ते गिरते हैं। बच्चों इन वाक्यों में हम पुल्लिंग बहुवचन शब्द का प्रयोग पढ़ेंगे और बहुवचन सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग पढ़ेंगे। एते अश्वा धावंती, एते मतलब ये सब, अश्वा मतलब घोड़े, धावंती मतलब दौड़ते हैं, ये सब घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ पर एते जो है सर्वनाम शब्द है, अश्वा जो है एक संज्ञा शब्द है और धावंती एक क्रिया शब्द है। अश्वा धावंती, अश्वा मतलब घोड़े, धावंती मतलब दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। एते हंसा संति, एते मतलब ये सब, हंसा मतलब हंस, संति मतलब हैं, ये सब हंस हैं। हंसा तरंती, हंसा मतलब हंस, तरंती मतलब तैरते हैं, हंस तैरते हैं। रहीम प्रवीण करीम च गच्छन्ति, रहीम एक लड़के का नाम है तो रहीम हो जाएगा, प्रवीण भी एक लड़के का नाम है तो प्रवीण हो जाएगा, करीम भी एक लड़के का नाम है तो करीम हो जाएगा, च का अर्थ हो जाएगा और, अगच्छन्ति मतलब होता है जाते हैं। रहीम प्रवीण और करीम जाते हैं। ते गच्छन्ति, एते मतलब ये सब, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, ये सब जाते हैं। रमेश महेश दिनेश च पश्यन्ति, रमेश एक लड़के का नाम है तो रमेश हो जाएगा, महेश का महेश हो जाएगा, दिनेश का दिनेश हो जाएगा, च का अर्थ होता है और, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, रमेश महेश और दिनेश देखते हैं। एते पश्यन्ति, एते मतलब ये सब, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, ये सब देखते हैं। बच्चों इन वाक्यों में हम स्त्रीलिंग बहुवचन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसका प्रयोग हम पढ़ेंगे और सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में किस प्रकार किया जाता है इसे भी पढ़ेंगे। एताह अध्यापिका संति, एताह मतलब ये सब, अध्यापिका मतलब अध्यापिकाएं, संति मतलब हैं, ये सब अध्यापिकाएं हैं। अध्यापिका पाठ्यन्ति, अध्यापिका मतलब अध्यापिकाएं, पाठ्यन्ति मतलब पढ़ाती हैं, अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। एताह कलिका संति, एताह मतलब ये सब, कलिका मतलब कलियां और संति मतलब हैं, ये सब कलियां हैं। कलिका विकसंति, कलिका मतलब कलियां, विकसंति मतलब खिलती हैं, कलियां खिलती हैं। एताह मूसिका संति, एताह मतलब ये सब, मूसिका मतलब चूहिया, संति मतलब हैं, ये सब चूहिया हैं। मूसिका धावंती, मूसिका मतलब चूहिया, धावंती मतलब दौड़ती हैं, चूहियां दौड़ती हैं। एताह सरिताह संति, एताह मतलब ये सब, सरिताह मतलब नदियां, संति मतलब हैं, ये सब नदियां हैं। सरिताह वहंती, सरिताह मतलब नदियां, वहंती मतलब बहती हैं, नदियां बहती हैं। बच्चों इन वाक्यों में नपुंसक लिंग बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार होता है इसे पढ़ेंगे और सर्वनाम बहुवचन का भी प्रयोग हम पढ़ेंगे। एतानि विमानानि संति, एतानि मतलब ये सब, विमानानि मतलब हवाई जहाज, संति मतलब हैं, ये सब हवाई जहाज हैं। यहाँ पर एतानि है ये सर्वनाम बहुवचन शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। विमानानि उड्यन्ते, विमानानि मतलब हवाई जहाज, उड्यन्ते मतलब उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। एतानि नक्षत्राणि संति, एतानि मतलब ये सब, नक्षत्राणि मतलब तारे और संति मतलब हैं, ये सब तारे हैं। नक्षत्राणि प्रकाशयन्ति, नक्षत्राणि मतलब तारे, प्रकाशयन्ति मतलब चमकते हैं, तारे चमकते हैं। एतानि कलमानि संति, एतानि मतलब ये सब, कलमानि मतलब कलम, संति मतलब हैं, ये सब कलम हैं। कलमानि लिखन्ति, कलमानि मतलब कलम, लिखन्ति मतलब लिखते हैं, ये कलम लिखते हैं।
तानी पुष्पाणी संति, तानी मतलब वे सब। बच्चों एतानी का अर्थ होता है ये सब और तानी का अर्थ होता है वे सब। पुष्पाणी मतलब फूल और संति मतलब हैं, वे सब फूल हैं। पुष्पाणी विकसंति, पुष्पाणी मतलब फूल, विकसंति मतलब खिलते हैं, फूल खिलते हैं। बच्चों इन वाक्यों में पुलिंग तथा बहुवचन शब्दों का हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे। ये सभी वाक्य पुलिंग हैं और इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है और बहुवचन सर्वनाम का भी प्रयोग किया गया है। ते के संति, ते मतलब वे सब, के मतलब कौन, संति मतलब हैं, वे सब कौन हैं। ते नराह संति, ते मतलब वे सब, नराह मतलब मनुष्य या आदमी भी होता है, संति मतलब हैं, वे सब मनुष्य हैं। ते के संति, ते मतलब वे सब, के मतलब कौन, संति मतलब हैं, वे सब कौन हैं। ते सिंहाः संति, ते मतलब वे सब, सिंहाः मतलब शेर, संति मतलब हैं, वे सब शेर हैं। ते सुकाः संति, ते मतलब वे सब, सुकाः मतलब तोते, संति मतलब हैं, वे सब तोते हैं। ते के संति, ते मतलब वे सब, के मतलब कौन, संति मतलब हैं, वे सब कौन हैं। ते गजाः संति, ते मतलब वे सब, गजाः मतलब हाथी, संति मतलब हैं, वे सब हाथी हैं। बच्चों इन वाक्यों में स्त्रीलिंग बहुवचन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार होता है इसे पढ़ेंगे और सर्वनाम बहुवचन का प्रयोग भी पढ़ेंगे। ताह काह संति, ताह मतलब वे सब, काह मतलब कौन, संति मतलब हैं, वे सब कौन हैं। यहाँ पर ताह जो है ये सर्वनाम है, इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है और बहुवचन सर्वनाम के लिए किया जाता है। ताह वीणा संति, ताह मतलब वे सब, वीणा मतलब वीणा, संति मतलब हैं, वे सब वीणा हैं। ताह काह संति, ताह मतलब वे सब, काह मतलब कौन, संति मतलब हैं, वे सब कौन हैं। ताह मालाः संति, ताह मतलब वे सब, मालाः मतलब मालाएं, संति मतलब हैं, वे सब मालाएं हैं। ताह काह संति, ताह मतलब वे सब, काह मतलब कौन, संति मतलब हैं, वे सब कौन हैं। ताह मक्षिकाः संति, ताह मतलब वे सब, मक्षिकाः मतलब मक्खियां, संति मतलब हैं, वे सब मक्खियां हैं। ताह काह संति, ताह मतलब वे सब, काह मतलब कौन, संति मतलब हैं, वे सब कौन हैं। ताह दुर्गाः लक्ष्मी सरस्वती च संति, ताह मतलब वे सब, दुर्गा एक देवी का नाम है इसका दुर्गा हो जाएगा, लक्ष्मी भी एक देवी का नाम है तो ये भी लक्ष्मी हो जाएगा, सरस्वती भी एक देवी का नाम है वो भी सरस्वती हो जाएगा। च का अर्थ होता है और संति का अर्थ होता है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वे सब दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती हैं। बच्चों इन वाक्यों में नपुंसक लिंग बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार होता है इसका प्रयोग हम पढ़ेंगे और सर्वनाम का बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार होता है ये भी देखेंगे। तानी कानी संति, तानी मतलब वे सब, कानी मतलब क्या, संति मतलब हैं। यहाँ पर तानी शब्द जो है सर्वनाम शब्द है और ये बहुवचन शब्द है, बहुवचन के लिए हम लोग तानी का प्रयोग करते हैं। तानी वस्त्राणी संति, तानी वे सब, वस्त्राणी मतलब कपड़े, संति मतलब हैं, वे सब कपड़े हैं। तानी कानी संति, तानी मतलब वे सब, कानी क्या, संति मतलब है, वे सब क्या हैं। तानी व्यजनानी संति, तानी मतलब वे सब, व्यजनानी मतलब पंखे, संति मतलब हैं, वे सब पंखे हैं। तानी कानी संति, तानी मतलब वे सब, कानी मतलब क्या, संति मतलब हैं, वे सब क्या हैं। तानी तृणानी संति, तानी मतलब वे सब, तृणानी मतलब घास, संति मतलब हैं, वे सब घास हैं। तानी कानी संति, तानी मतलब वे सब, कानी मतलब क्या, संति मतलब हैं, वे सब क्या हैं। तानी गृहाणी संति, तानी मतलब वे सब, गृहाणी मतलब घर, संति मतलब हैं, वे सब घर हैं। बच्चों इन वाक्यों में पुलिंग शब्द का प्रयोग किस प्रकार होता है आइए इसे देखते हैं। ते गजाः चलन्ति, ते मतलब वे सब, गजाः मतलब हाथी, चलन्ति मतलब चलते हैं, वे सब हाथी चलते हैं।
यहाँ पर ते जो है सर्वनाम शब्द है और ये बहुवचन के लिए ते शब्द का प्रयोग हम करते हैं और पुलिंग के लिए ते शब्द का ही प्रयोग करते हैं। खगा है वृक्षे कुजंती। खगा मतलब पक्षियां, क्योंकि ये बहुवचन है। वृक्षे मतलब पेड़ पर, कुजंती मतलब कूजती हैं, पक्षियां पेड़ पर कूजती हैं। एते अजाह चरंती। एते मतलब ये सब, अजा मतलब बकरे होते हैं, ये पुलिंग शब्द है इसलिए अजाह मतलब यहाँ पर बकरे हैं। चरंती मतलब चरते हैं, ये सब बकरे चरते हैं। जनाह भ्रमंती। जनाह मतलब लोग होता है, भ्रमंती मतलब घूमते हैं, लोग घूमते हैं। भक्ता अर्चयंती। भक्ता मतलब भक्त, अर्चयंती मतलब पूजा करते हैं, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा भक्त पूजा करते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किस प्रकार होता है, आइए इसे देखते हैं। ताह बालिका हसंती। ताह मतलब वे सब, बालिका मतलब लड़कियां, हसंती मतलब हंसती हैं, वे सब लड़कियां हंसती हैं। यहाँ पर ताह शब्द जो है सर्वनाम है, बहुवचन के लिए स्त्रीलिंग के लिए हम ताह शब्द का प्रयोग करते हैं। मधुमक्षिका रसम पीवंती। मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खियां, रसम मतलब रस, पीवंती मतलब पीती हैं, मधुमक्खियां रस पीती हैं। पिपीलिका गच्छन्ति। पिपीलिका मतलब चींटियां, गच्छन्ति मतलब जाती हैं, चींटियां जाती हैं। ताह छात्राः पठन्ति। ताह मतलब वे सब, छात्रा मतलब छात्राएं, पठन्ति मतलब पढ़ती हैं, वे सब छात्राएं पढ़ती हैं। एताः नौकाः तरन्ति। एताः मतलब ये सब, नौकाः मतलब नावें, तरंती मतलब तैरती हैं, ये सब नावें तैरती हैं। बच्चों, इन वाक्यों में नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग किस प्रकार होता है, इसका प्रयोग हम देखेंगे। एतानी फलानी मधुराणी भवंती। एतानी मतलब ये सब, फलानी मतलब फल, मधुराणी मतलब मीठे, भवंती मतलब होते हैं, ये सब फल मीठे होते हैं। एतानी यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं और सिर्फ नपुंसक लिंग में ही एतानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नक्षत्राणी आकाशे संति। नक्षत्राणी मतलब तारे, आकाशे मतलब आकाश में, संति मतलब हैं, तारे आकाश में हैं। तानी पुस्तकानी संति। तानी मतलब वे सब, पुस्तकानी मतलब पुस्तकें, यहाँ पे ये बहुवचन शब्द है, संति मतलब हैं, वे सब पुस्तकें हैं। आम्राणी मधुराणी भवंती। आम्राणी मतलब आम, मधुराणी मतलब मीठे, भवंती मतलब होते हैं, आम मीठे होते हैं। तानी रुपयकाणी संति। तानी मतलब वे सब, रुपयकाणी मतलब रुपए, संति मतलब हैं, वे सब रुपए हैं। बच्चों, आपका नवम पाठ प्रथम पुरुष बहुवचन तीनों लिंग तथा सर्वनाम का प्रयोग आपको पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो को बार बार देखिए और इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। आशा करती हूँ कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।